फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जानी मानी फेमस एक्ट्रेस जीता गांगुली की रियल एज क्या है एंड उन्होंने अब तक कितने टीवी सीरियल मूवीज में काम किया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हम शेयर करना है तो प्लीज इनको सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इनका जन्म 24 जुलाई 1995 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था एंड अब इनकी एज 27 साल है। करियर की स्टार्टिंग इन्होंने एक मॉडल के रूप में की थी। टेलीविजन डेब्यू इन्होंने 2011 में मिस्टर सिन्हा राय से किया। इस शो में इन्होंने सरस्वती मंडल का रोल प्ले किया, जिसके बाद 2012 में ये भाषा सीरियल में नजर आई। इस सीरियल में इन्होंने रिया का रोल प्ले किया। 2013 में इन्हें बंगला सीरियल अन्नपूर्णा में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद 2014 में ये जाने माने शो शास्त्री सिस्टर्स में नजर आई। इस सीरियल में इन्होंने मुख्य रोल प्ले किया। फ्रेंड्स, इस सीरियल से इन्होंने काफ़ी पॉपुलरिटी हासिल कर ली। 2015 में ये तू मेरा हीरो में नजर आई। इस सीरियल में इन्होंने जूही का रोल प्ले किया, जिसके बाद 2015 में ही इन्हें डर सबको लगता है में काम करने का मौका मिला। 2016 में इन्हें इश्क का रंग सफ़ेद में देखा गया। इस शो में इन्होंने कामिनी मेहरा का रोल प्ले किया, जिसके बाद 2016 में यह आशिकी में नजर आए। इस शो में इन्होंने नाव्या का रोल प्ले किया, जिसके बाद 2016 में ही इन्हें यारू का टशन में देखा गया। इस शो में यह मिट्टी के रोल में नजर आई। 2017 में यह पेशवा बाजीराव में नजर आई। इस शो में इन्होंने काशीबाई का रोल प्ले किया। 2018 में ये पृथ्वी वल्लभ इतिहास भी रहस्य भी में नजर आई। इस शो में इन्होंने राजकुमारी अमरूषा का रोल प्ले किया। इसके बाद 2018 में ये लालिश में नजर आई। 2018 में इन्हें कौन है में देखा गया। इस शो में इन्होंने चंद्रलेखा का रोल प्ले किया। 2018 में ही इन्हें विक्रम बेताल की रहस्य गाथा में काम करने का मौका मिला। इस शो में इन्होंने महारानी पद्मिनी का रोल प्ले किया, जिसके बाद 2019 में ये श्रीमद भगवत महापुराण में नजर आई। इस शो में इन्होंने देवी पार्वती का रोल प्ले किया। इस शो से इन्होंने काफ़ी पॉपुलरिटी हासिल की। 2019 में ये जग जननी माँ वैष्णो देवी में नजर आए। इस शो में इन्होंने देवी पार्वती का रोल प्ले किया। 2020 में इन्हें राधा कृष्ण में काम करने में इन्होंने प्रदी का रोल प्ले किया। 2020 में इन्हें विघ्नहर्ता गणेश में काम करने का मौका मिला। इस शो में इन्होंने देवी मनासा का रोल प्ले किया, जिसके बाद ये सीरियल घर एक मंदिर में नजर आए। इस शो में इन्होंने संध्या गुप्ता का रोल प्ले किया। 2022 में इन्हें निर्मल पाठक की घर वापसी शो में काम करने का मौका मिला। इस शो में इन्होंने गीतांजलि का रोल प्ले किया, जिसके बाद 2022 में ये परशुराम में नजर आई। इस सीरियल में ये देवी पार्वती का रोल प्ले कर रही हैं। बॉलीवुड डेब्यू इन्होंने 2017 में मेरी प्यारे बिंदु से किया, जिसके बाद 2019 में इन्हें रेस्क्यू मूवी में देखा गया। इन्होंने अपनी अच्छी एक्टिंग के बल पर अनेक अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। अब ये सीरियल शुभ शगुन से लोगों का मन जीत रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इनके इन सभी टीवी सीरियल्स मूवीज में से आपका फेवरेट कौन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इफ यू लाइक वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। For more biographies, stories, lavish videos, interesting updates about TV celebrities, so we'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.